आदरणीय पूरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, और साथ ही साथ काव्य पाठ के लिए राकेश खंडेलवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। आप वरिष्ठ आपूर्ति निदेशक हैं मेडस्टार हेल्थ के वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। आपके गीत संग्रह अमावस की चांद, अंधेरी रात का सूरज, धूप गंध चांदनी, वैराग से अनुराग तक, लेती अंगराई जब एक निहारिका प्रकाशित हो चुकी है अथवा क्षितिज के बड़े प्रकाशन एवं निरंतर पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहे। राकेश जी का स्वागत करते हुए मैं उनकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूँ। इस समय सिंधु की अजनबी इकलहर, इस समय सिंधु की अजनबी इकलहर है बहाती रही इस धरी तक, इस समय सिंधु की अजनबी इकलहर है बहाती रही इस धरी तक जिसे, जो कि जाना नहीं अपने खुद को कभी, जो कि जाना नहीं अपने खुद को कभी, उसका परिचय भला प्राप्त होगा कैसे। काल के चक्र की अनवरत दौड़ में मैं उगी भोर हूं, मैं ढली शाम हूं। काल के चक्र की अनवरत दौड़ में मैं उगी भोर हूं, मैं ढली शाम हूं, और क्या मैं कहूंगी कि मैं कौन। क्या बात है राकेश खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। कृपया काव्य पाठ आरंभ। धन्यवाद भावना जी, विनय जी, हरीश जी और नरेश चंद्रा जी और अन्य सभी लोगों का। तो जहाँ तक परिचय की बात हुई तो यही बात हुई थी, लेकिन नाम तुमने अगर मुझसे पूछा मगर कौन हूँ मैं, ये मैं भी नहीं जानता, और आईने का कोई अक्स बतलाएगा असलियत क्या मेरी मैं नहीं मानता। मेरे चेहरे पे अनगिनत मुखौटे चढ़े, मेरे चेहरे पे अनगिनत मुखौटे चढ़े, वक्त के साथ जिनको बदलता रहा, मैंने भ्रम को हकीकत है माना सदा, मैं स्वयं अपने खुद को हूँ छलता रहा, हाथ आई नहीं मेरे उपलब्धियाँ, बालू मुट्ठी से पल पल खिसकती रही, और दीन के तार को छेड़ने के लिए हाथ की लाल मेहंदी से सकती रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या हमारे साथ वक्त दर्शक जुड़ चुके हैं आपको सुनने के लिए। अमित सिंह जी स्वागत है आपका, आशुतोष यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपके लिए, वाह वाह होनी शुरू हो गई है आदरणीय खंडेलवाल जी। चलिए मैं बिना किसी भूमिका के शुरू करता हूँ जी। स्वागत कि ऋषि वशिष्ठ के विशद ज्ञान से और विश्वामित्री स्वाभिमान से, और जिसने समदर्शी कर जोड़ा गीता बाइबल और कुरान से, जो मेरा संस्कार बन गई वही ऋचाएं दोहराता हूँ, जब मैं गीत नया गाता हूँ। क्या बात है कि सूरा मीरा के एक तारे में आल्हाद बिरोता प्रोती सरगम, सूरा मीरा के एक तारे में आल्हाद बिरोती सरगम, और एक अलौकित मधुर प्रीत में डूबा महक रहा वृंदावन, और कालिंदी की चरण कमल की रज को झुककर पुलकित रह लहरें, और गोकुल में मधुरा से लेकर पथ पर निथरा बिखरा दधी और माखन, तो मुरली की माधव धुन वाली, बरसाने की रुंझुन वाली, पुष्प सेज पर चबर डुलाती बल खाती कदम्ब की डाली, आंखों में जो आन बस गई वही चित्र में रंग जाता हूँ, जो मेरा संस्कार बन गई वही ऋचाएं दोहराता हूँ, तब मैं गीत नया गाता हूँ। संदीप पंत के आश्रम में जो कृष्ण सुदामा ने सीखा जोड़ी, संदीप पंत के आश्रम में जो कृष्ण सुदामा ने थी जोड़ी, और जिसने धतक रहे एक स्वर से सागर की सारी जिद तोड़ी, जिसका लक्ष्य भेद लेकर अंगुष्ठहीन भी रहे अचूके, जिसके तपने उलझे उलझे शिव शंकर की जटा निचोड़ी, मुनि अनकस्त के सिंधुपान से भागीरथ के अनुष्ठान से, जिसकी गाथाएं विस्तृत हैं पुष्पक की मनगति उड़ान पर, जो नस नस में आन बस गई वही कथाएं पढ़ पाता हूँ, और जो मेरा संस्कार बन गई वही
इच्छाएं दोहराता हूँ जब मैं गीत नया गाता हूँ। और मैं अंतिम स्पर्श दे रहा हूँ कि जो करती इतिहास सुगंधित तानसेन की मृदुतानों से, जो करती इतिहास सुगंधित तानसेन की मृदुतानों से, जिसके प्रस्त हुए सतरंगी राजा शिव के बलिदानों से, स्वर्ण रत्न मंडित शब्दों में हरिश्चंद्र की सत्यवादिता, जिसकी ज्योति सदा ही गर्वित रही कर्ण के अनुदानों पर, तो कामधेनु जैसी गायों पर और पन्ना के जैसी धायों पर, और जहां कीर के नाम ढल गए न्याय प्रेम के पर्यायों पर, संस्कृति का आधार बनी जो उसी शिला पर चढ़ पाता हूँ, जो मेरा संस्कार बन गई वही रिक्शाएं दोहराता हूँ जब मैं गीत नया गाता हूँ, जब मैं गीत नया गाता हूँ। बहुत क्या बात, अगला एक गीत है जो अभी नया ही है जी। लेकिन उससे पहले मैं पिछले 58 वर्षों में समय जगह पे लिखे हुए, क्योंकि पहले कुछ भी लिखते पहले पत्र लिखे जाते थे, आजकल का दौर तो नहीं है कि ईमेल और व्हाट्सएप कुछ नहीं थे। तो आप देखिए कि तीन चरणों में तीन तरह के पत्र है कि कालिदास की अमर कथा को फिर से फिर जीवंत बनाया मैंने, कालिदास की अमर कथा को फिर जीवंत बनाया मैंने, और मेघों के कांधे पर रखकर फिर संदेश पठाया मैंने। तो उसके बाद में दूसरा दौर आता है कि तुमने कहा ना तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए संदेश, तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए संदेश, इसीलिए अब के भेजा है मैंने पंजीकरण कराकर। और बाद बरखा की बूंदों में अक्षर पिरो पिरो कर पत्र लिखा है, और कहा जलद से उसे सुनाए द्वार तुम्हारे जाकर गाकर। उसका तीसरा चित्र देखिए, प्रतीक्षा होती है पत्र के आने की, बढ़ गई सहसा हवा के नूपुरों की झंझनाहट, बढ़ गई सहसा हवा के नूपुरों की झंझनाहट, और मध्यम हो गई कुछ पत्तियों की सरसराहट, और धूप के कालीन के बूटे जरा कुछ और निखरे, और कलियों में हुई अनजान सी कुछ शुभ काहट, के बात ये मुंडेर पर आ एक पाक्षी ने कहा है, आ रहा है डाकिया संदेश एक लेकर तुम्हारा। तो कक्ष में जैसे अजंता लग गई आकर सवरने, और कसम साने लग गई भुजपाश को दोनों भुजाएं, और त्रस्त आतुर अर्घ्य ले जैसे खड़ी कोई सुहागन, बाट जो है चौथ चंदा की निकल आए निभाएं, और दिन ढले से पूर्व ही आया उतर पहला सितारा, आ रहा है डाकिया संदेश एक लेकर तुम्हारा। उसके बाद आज के युग में क्या है, तो मैंने ये अभी पिछले एक दो महीने पहले की रचना है। मैं सोचता हूँ तुम्हें लिखूं अब पुराने ढंग से फिर पत्र कोई, मैं सोचता हूँ तुम्हें लिखूं अब पुराने ढंग से फिर चटपत्र कोई, जो और जोड़ दूं सब बिखरते पधागे तितर बितर हो गए समय में, कि बेभाव मन के जो पुंकेसरों के पराग कण में लिपट रहे हैं, बेभाव मन के जो पुंकेसरों के पराग कण में लिपट रहे हैं, जो गंध में डूबती हवा की मधुर धुनों में हुए हैं गुंजित, बोले हैं सपने हजार रंग के निखारते शिल्प अक्षरों का, उतार रखते जिन्हें कलम से हुआ है हर एक रोम पुलकित, गुलाब पाखुर कलम बनाकर भिगो सिवासों की साहियों में, करूं प्रकाशित भेभाव में अपने जो उम्र अक्सर ही संधिवाय में, मैं सोचता हूँ तुम्हें लिखूं अब पुराने ढंग से फिर पत्र को। तो गगन की
देखिए कि गगन के विस्तृत पटल पे अंकित करूं सितारों से शब्द अपने, गगन के विस्तृत पटल पर अंकित करूं सितारों से शब्द अपने, या राजहंसों के फैले पर लिखूं निवेदन सतत प्रणय का। मैं चाहता हूं सितार तारों की झंझनाहट अभिव्यक्त कर दूं, उन्हें बनाकर पर्याय अपने लगन में भीगे हुए हृदय का। मैं गुलमोहर के ले पाटलों को चितेरूं मेहंदी की बूटियों में, मैं गुलमोहर के ले पाटलों को चितेरूं मेहंदी की बूटियों में, और फिर रंगूं अल्पनाएं पथ पर जो साथ चलकर सका था तय में। कब टेक्स्ट में आ हृदय उमड़ता, जब टेक्स्ट में आ हृदय उमड़ता, न फेस टाइम में बात वो है, जो पत्र में ला उकेर देती थी तू लिखाए रंग अक्षरों से, कब व्हाट्सएप में हुआ तरंगित भय भाग राग धड़कन की सरगमों का, जो नृत्य करता हुआ बजा है गुथे शब्द के सहज सुरों में। मैं स्वयं जूही के फूल लेकर तू गूंथ बेणी में मोगरे की, असिक्त होकर विभोर हो लूं तुम्हारे तन से उड़ी मलय में, मैं सोचता हूँ लिखी तुम्हें मैं पुराने ढंग से फिर पत्र को। क्या बात है, ऐसे अलग अलग शब्दों में और अलग अलग कहने की बात की है। मैं मुख्य रूप से प्रकृति और श्रृंगार का लिखता हूँ। एक और चित्र देखिए जी। जरूर, स्वागत। तुम कहो तो होठ पर जड़ू तुम्हारे एक चुंबन, तुम कहो तो होठ पर जड़ू तुम्हारे एक चुंबन, दृष्टि में भरकर सुधाएं प्रीत की तुमको पिला दूं, और मन चली पुरवाइयों की झूमरी पर नाम लिखकर एक तुम्हारा, तुम कहो तो गंध की सरगम बजा दूं, तुम कहो तो। सोचता हूं मैं क्षितिज पर ले हथेली की हिनाएं, सोचता हूं मैं हथेली पर हथेली की भवन हिनाएं, तुम कहो तो खींच दूं कुछ आज नूतन अल्पनाएं, और लेकर तारकों को गोद में पलते समय सपन को, कुर्तियों से मैं उकेरूं कुछ अकल्पित कल्पनाएं, तुम कहो तो। क्या बात, और तुम कहो तो पांग में रंग दूं अलग तक भोर की अंगड़ाइयों का, आम में रंग दूं अलग तक भोर की अंगड़ाइयों का, रंग भर दूं श्वास में ला गूंजती शहनाइयों का, धार की मंथर गति को जोड़ दूं पग चाप से मैं, और फिर उल्लास भर दूं गौरती अमराइयों में, तुम कहो तो, तुम कहो तो। अंतिम स्पर्श है जी। मांग में कचनार की कुछ अधखिली कलियां सजाऊं, मांग में कचनार की कुछ अधखिली कलियां सुनाऊं, मोतिया बनकर तुम्हारी वेणियों में झूल जाऊं, चूम लूं कोमल हथेली बन हिलाता एक बूटा, और फिर कुछ पास में लेकर तुम्हें कविता सुनाऊं, तुम कहो तो, तुम कहो तो, तुम कहो तो। बहुत बेहतरीन। मैं अब कुछ पल का आपको मैं आपको प्रतिक्रियाएं कुछ मैं देना चाहूंगी जो दर्शकों की आई है। आदरणीय सोनी सुगंधा जी जुड़ी हुई हैं, सविता श्रीवास्तव जी, मधुरिमा खरे जी, विभा राज वैभवी, और गुलशन प्रेम जी हमसे जुड़े हुए हैं, राम सारे सिंह ये दो बार नाम है, राम सारे सिंह जुड़े हुए हैं, और गुलशन कुमार, रश्मि मालविया, गुड़िया सिंह, अनामिका चक्रवर्ती, और प्रणाम अंतस आईडी से जो जुड़े हुए हैं उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। सभी को आपकी अभिव्यक्ति बेहद खूबसूरत लग रही है। और अभिषेक कुमार अभी जुड़े हैं, कह रहे हैं वाह आदरणीय, क्या शब्द भाव है, वाह, आपके शब्द संयोजन की बहुत तारीफें हो रही हैं आदरणीय। चलिए, सभी को शुभकामनाएं। प्रणाम, मैं एक और रचना सुना रहा हूँ जी। तो ये इसमें देखिए, इसका प्रभाव देखिएगा। सॉरी, एक ए,
आह न बोले बाह न बोले, आह न बोले बाह न बोले, मन में है कुछ चाह न बोले, जिस पथ पर चलते मेरे पग कैसी है वो राह न बोले, फिर भी ओ आराध्य हृदय के पाषाणी इतना बतनाना, कितने गीत और लिखने हैं, कितने गीत और लिखने हैं, लिखे सुबह से शाम हो गई, थकी लेखनी लिखते लिखते स्याही सभी तमाम हो गई, कितने गीत और लिखने हैं, कि सजवा की तुलसी का चौरा ले गुलाब गुल मोहर चंदन, सजवा की तुलसी का चौरा ले गुलाब मुकुल मोहर चंदन, मौसम की हर अंगड़ाई से मैंने किए नए अनुबंधन, नदिया वादी ताल सरोवर कोयल की मधमाती कुह से, शब्दों पर आभरण सजाकर किया तुम्हारा ही अभिनंदन, किंतु उपासक के खंडित व्रत, किंतु उपासक के खंडित व्रत जैसा तप रह गया अधूरा, और अस्मिता दीपक तीलों में जलकर गुमनाम हो गई, कितने गीत और लिखने हैं, लिखे सुबह से शाम हो गई, कि अंधियारी रजनी में निथरी रंगे चांदनी चित्र तुम्हारे, अंधियारी रजनी में निथरी रंगे चांदनी चित्र तुम्हारे, अर्चन खा नब की थाली में दीप जपना कर रखे सितारे, दिन की चौखट पर ऊषा की करवट लेकर तिलक लगाया, दिन की चौखट पर ऊषा की करवट लेकर तिलक लगाए, जपा तुम्हारा नाम खड़े हो मैंने निमिष निमिष के द्वारे, उन आराधक मैंने अपनी बन आराधक मैंने अपनी, निष्ठा भारी भागीरथी बनाई, बन आराधक मैंने अपनी, निष्ठा भागीरथी बनाई, लगा तुम्हारे मंदिर की टहरी पर वह निष्काम हो गई, कितने गीत और लिखने हैं, कितने गीत और लिखने हैं, क्या इतना है इतना विश्वास कि मेरे गीतों को तुम स्वर देते हो, है इतना विश्वास कि मेरे गीतों को तुम स्वर देते हो, सागर की गहराई शिखरों की ऊंचाई भर देते हो, भटके हुए भाव आवारा, भटके हुए आव भाव आवारा, शब्दों की नकेल से बांधे शिल्पी के इंगित से ही तुम्हें छंद में कर देते हो, कल तक मेरी और तुम्हारे सिवा ज्ञात थी नहीं किसी को, कल तक मेरे और तुम्हारे सिवा ज्ञात थी नहीं किसी को, आज न जाने कैसे बातें ये बस्ती में आम हो गई, कितने गीत और लिखने हैं, जो अधरों पर सबरा आकर, जो अधरों पर सबरा आकर एक नाम है सिर्फ तुम्हारा, और तुम्हारा मंगलवारती से गूंजा मन का चौबारा, हो ध्यानस्थ तुम्हारे चित्रों से रंग कर नैनों के पातल, हो ध्यानस्थ तुम्हारे चित्रों से रंग कर नैनों के पातल, गाता रहा तुम्ही को केवल मेरी धड़कन का एक तारा, किंतु न तुमने एक सुमन भी अपने हाथों दिया मुझे है, किंतु न तुमने एक सुमन भी अपने हाथों दिया मुझे है, जबकि तुम्हारे नाम रूप की देहरी तीर्थ धाम हो गई, कितने गीत और लिखने हैं, आशीषों की अभी दो अंतरे और हैं, तो आशीषों की अनुभूति को मिला नील ना अक्षय वट का, आशीषों की अनुभूति को मिला नील ना अक्षय वट का,
त्रसित प्राण को त्रसनाओं को देखा हाथ रुका मधुगत का। त्रसित प्राण प्राण की त्रसनाओं को देखा हाथ रुका मधुगत का। दूर दिशा के वंशी वादक तान जहां सब विलय हो रही आज उसी बस एक बिंदु पर सांसों का अयायावर अटका। स्वर था दिया शब्द भी सौंपे स्वर था दिया शब्द भी सौंपे और न अब गीतों को ऋण दो। स्वर भी दिया शब्द भी सौंपे और न अब गीतों को ऋण दो। एक बात को ही दोहराते अब व्यक्तियां विराम हो गई कितनी दूर थी तू और कि अनुभूति को एहसासों को बार बार पिंजरे में डाला। अनुभूति को एहसासों को बार बार पिंजरे में डाला। एक अर्थ से भरा नहीं मन अर्थ दूसरा और निकाला। कि अनुभूति को एहसासों को बार बार पिंजरे में डाला। एक अर्थ से भरा नहीं मन अर्थ दूसरा और निकाला। आदि अंत में धूप छांव में केवल किया तुम्हें ही वर्णित अपने सारे सलकों में संकल्पों में मीत तुम्हें ही सदा संभाला। मिले तुम्हारे अनुदय की अनुकंपा शायद इसीलिए तो मिली तुम्हारे अनुग्रह की अनुकंपा शायद इसीलिए तो सावन की खाली मावस्या दोपहरी की धाम हो गई कितने गीत और लिखने हैं कितने गीत और लिखने हैं। क्या बात है क्या बात है सर बहुत सुंदर और भाव भरी रचना आपकी। और देखिए इतनी रात गए भी आपके प्रशंसक हमसे जुड़े हुए हैं। अल्पना चक्रवर्ती जी जुड़ी हैं, गुलशन कुमार निरंतर जुड़े हैं, अमित शाह, वीरू श्रीवास्तव, ब्रजेश सिन्हा जी और बहुत सारे नाम ऊपर चले गए हैं। ये सभी का धन्यवाद। सोनी सुगंधा जी और अभिषेक कुमार अभी जी और शुक्रिया सोनी जी आपको संचालन भी पसंद आ रहा है। मैं आप सभी अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जुड़े रहिएगा, एक नई ऊर्जा मिलती है आप सभी के जुड़े रहने से। जी सर देखिए जैसे मैंने कहा कि मेरा मैं श्रृंगार का ही मुख्य रूप से इतने सबसे पिछले 58 वर्षों से मैं लिख रहा हूँ तो वही मेरा मुख्य वो है। तो एक और गीत देखिए जी। प्राण के प्याले भरी हैं भाव की मैंने सुधाएं। प्राण के प्याले भरी हैं भाव की मैंने सुधाएं और वहन करता आ रहा हूँ जिंदगी की मैं व्यथाएं। रोज ही मधुगत ढुलकते बूंद लेकिन मिल न पाती सांस की अंगनाइयों में शेष हैं अनगिनत तृषाएं। तो देव के आशीष भी जब मन नहीं वरदान पाए साधना के दीप की लौ को जलाकर क्या करूंगा। और क्षुब्ध मन में प्यास खुद सावन उगाता आ रहा हो आस्था के रिक्त प्यालों को उठाकर क्या करूंगा। क्या बात कि भोर की अंगड़ाइयों से सांझ की हर एक थकन तक भोर की अंगड़ाइयों से सांझ की हर एक थकन तक एक सुलगती एक अधूरी साध की परिणति यहां मैंने काशी। किंतु पर निराशा के कुहासे सिर्फ मेरे हाथ आए मैं अमावस के नगर में ढूंढता था पूर्णमासी। जब मरुस्थल की हवाओं से घिरा मधुबन समूचा रेत के टीले खड़ा मलहार गाकर क्या करूंगा। और नींद ने जब पा निमंत्रण रोज ही आंखें चुराई तो पलक पर एक भी सपना सजाकर क्या करूंगा। मैं आस्था के रिक्त प्यालों को उठाकर क्या करूंगा यही प्राण के मैं अधूरे गीत गाकर क्या करूंगा। एक संशय के तिमिर की धुंध में लिपटा हुआ मैं एक संशय के तिमिर की धुंध में लिपटा हुआ मैं ढूंढता हूँ रोशनी की रश्मियों के ज्योति रथ को।
एक संशय के तिमिर की धुंध में लिपटा हुआ मैं ढूंढता हूँ रश्मियों ज्योति की रश्मियों के सूर्य रथ को, और जो कुहासों से पड़े खिलता रहा हो पारदर्शी, हर कदम भटका हुआ अब खोजता उस एक पथ को, जो कबीरा ने जतन से ताक पर रख दी उठाकर, जो कबीरा ने जतन से ताक पर रख दी उठाकर, सोचता हूँ आज वो चादर उठाकर क्या करूँगा, छंद है हर एक टूटा मात्राएं सब अधूरी, मैं पीत के बोलो अधूरे गीत गाकर क्या करूंगा। प्यार और अनुराग उगते थे जहां निशदिन गगन में, अंतिम स्पर्श है कि प्यार और अनुराग उगते थे जहां निशदिन गगन में, लग रहा दिक्पाल ने खुद ही चुरानी वे दिशाएं, और आज की अनुभूतियां करवट जहां हर वक्त लेती, खो गई है काल के संग जिंदगी की वे रेखाएं, घिस गई है हाथ की हर एक रेखा जबकि मेरे, घिस चुकी है हाथ की हर एक रेखा जबकि मेरे, ज्योतिषी को हाथ फिर अपने दिखाकर क्या करूंगा, और पुर न पाए नैन की भाषा मेरे मन में तो तुम भी, फिर कहानी कंठ से अपने सुनाकर क्या करूंगा, पीत के बोलो अधूरे गीत गाकर क्या करूंगा। क्या बात, क्या बात है, मेरा जब समय हो जाए बता दीजिएगा वरना मैं तो खुल जाऊंगा। एक और देखिए, दिन सप्ताह महीने बीते। विनय आंटी आपका माइक म्यूट है, 20 मिनट और है आदरणीय आपके पास अभी। अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो दिन सप्ताह महीने बीते, घिरे हुए प्रश्नों में जीते, दिन सप्ताह महीने बीते, घिरे हुए प्रश्नों में जीते, अपने बिंबों में अब खुद ही प्रश्न चिन्ह जैसा दिखता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, कि भावों की छलके गागरिया पर न भरे शब्दों की आंजुर, भावों की छलके गागरिया पर न भरे शब्दों की आजुर, होता नहीं अथर छूने को सरगम का कोई सुर आतुर, छंदों की ढोली पर आकर बैठ न पाई दुल्हन भाषा, छंदों की ढोली पर आकर बैठ न पाई दुल्हन भाषा, अब बिलख बिलख कर रह जाती है सपनों की संजीवित आशा, तो टूटी परवाजें संगवा कर पंखों के अवशेष उठाकर, नील गगन की पगडंडी को सूनी नजरों से तकता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ। पीड़ा आकर पंथ बुखारे, पीड़ा आकर पंथ पुकारे, जागे नहीं लेखनी सोई, और खंडित अभिलाषा कह देती होता वही राम रचित सोई, पीड़ा आकर पंथ बुखारे, जागे नहीं लेखनी सोई, खंडित अभिलाषा कह देती होता वही राम रचित सोई, मंत्रबद्ध संकल्प शरों के विधे शायिका पर बिखरे हैं, मंत्रबद्ध संकल्प शरों से विधे शायिका पर बिखरे हैं, और नागफली से संबंधों के विषधर तन मन को जकड़े हैं, बुझी हुई हाथों में तीली, बुझी हुई हाथों में तीली, और पास की समिधा गीली, उठते हुए धुएं को पीकर मैं अंदर अंदर रिसता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ। धरना देती रही बहारें, धरना देती रही बहारें दरवाजे की चौखट थामे, धरना देती रही बहारें दरवाजे की चौखट थामे, अंगनाई में बंद पुष्पों की गंध सांस की सांस का दामन थामे, हर आशीष मिला तकता है एक अपेक्षा ले नैनों में, ढूंढा करता हूँ हर लम्हा छुपे हुए उत्तर प्रश्नों में, पन्ने बिखरा रही हवाएं, हुई खोखली सब
सभी हुई खोखली सभी धुआएं, और तिनके जैसा उगती उंगली थामे बही धार में मैं तिरता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ। क्या बात कि मानस में असमंजस बढ़ता, मानस में असमंजस बढ़ता, चित्र सभी हैं धुंधले धुंधले, हीर कनिक की परछाई लेकर शीशे के टुकड़े निकले। मानस में असमंजस पड़ता, चित्र सभी हैं धुंधले धुंधले, हीर कनिक की परछाई लेकर शीशे के टुकड़े निकले। जिस पद रज को मेहंदी करके थी रंगीन रख कर ली थी रंगीन हथेली, निमिष मात्र में पलकें गीली करने आई याद अकेली। परवेशों से कटा हुआ सा, समीकरण से घटा हुआ सा, जिस पथ की मंजिल ना कोई, अब मैं उस पथ पर मिलता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ। भावुकता की आहुतियां दे विश्वासों के दावादल में, भावुकता की आहुतियां दे विश्वासों के दावादल में, ध्रुव हुआ करती है सायों के अब लहराते आंचल में। अर्थहीन हो गए दोपहरी संध्या और चांदनी रातें, पड़ती नहीं सुनाई होती जो अब दिल से दिल की बातें। कभी पुकारा पनिहारी ने, कभी संवाला मनिहारी ने, चूड़ी के टुकड़े जैसा मैं पानी के भावों बिकता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ। अंतिम स्पष्ट देखिए कि मन के बंधन कहाँ गीत के शब्दों में है बंधने पाते, मन के बंधन कहाँ गीत के शब्दों में है बंधने पाते, व्यक्त कहो कहाँ होती अनुभूति चाहे कोई कितना गाए। और डाले हुए स्वयं का भ्रम में कब तक देता रहूं दिलासा, नीड़ बना बैठा पनघट पर लेकिन मन प्यासा का प्यासा। बिखराए कर तिनके तिनके भावों की माला के मन के, सीपी शंख बिना बिन चुके जिसके, मैं तक की अब वह सीखता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ, अब मैं गीत नहीं लिखता हूँ। बहुत मार्मिक भाव, बहुत आपके रचना धर्मिता के लिए मैं क्या कहूँ, आपका अनुभव इतना है, इतनी तो हमारी उम्र भी नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए जी कुछ पाठकों की प्रतिक्रिया से आपको अवगत कराऊंगी। शुक्रिया अनामिका जी, मेरे और भावना के लिए कुछ खाने पीने का सामान भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुलशन कुमार जी जुड़े हैं और राशु कुमार जी जुड़े हैं, अनामिका चक्रवर्ती, सूरज ठाकुर, विभाराज वैभवी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप हैं तो हम हैं और आप सब बने रहिएगा, बहुत ऊर्जा मिलती है जब आप साथ रहते हैं। सभी को धन्यवाद। आपकी रचना धर्मिता के लिए बहुत तारीफ हो रही है, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर शब्दावली। अनामिका जी सरस्वती का आशीष है सदा मेरे साथ, और आज आज की ये ताजा खबर भी बता दूं कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज सुबह में मैं नाना बना हूँ। अरे बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। चलिए तो एक और देखिए प्रतिक्रिया आज के व्यवहार पर जी। स्वागत। संस्कार तो बंधी लोक कथाओं में, संस्कार तो बंधी लोक कथाओं में, रिश्ते नातों का निभना लाचारी है। तो जन्मदिनों से वर्षगांठ तक सब उत्सव व्हाट्सएप की एक पंक्ति में सिमट गए, जन्म दिवस से वर्षगांठ तक सब उत्सव व्हाट्सएप की एक पंक्ति में निपट गए। तीज और त्योहार अमावस पूनम भी एक शब्द हैप्पी में जाकर सिमट गए। सुनता कोई नहीं लगी है सीढ़ी पर कथा सत्यनारायण की कब से जारी है, रिश्ते नातों का दिखना लाचारी है। तुलसी का चौरा अगनाई नहीं रहे, तुलसी का चौरा अगनाई नहीं रहे, अब पहले से बहना भाई नहीं रहे। रिश्ते जिनकी छुअन छेड़ती थी मन में, मधुर भावना की शहनाई नहीं रहे।
दुआ सलाम रही है केवल शब्दों में और आपके और आपके औपचारिकता सी व्यवहारी है, रिश्ते नातों का निभना लाचारी है। जी। जितने भी थे फेसबुकी संबंध हुए, जितने भी थे फेसबुकी संबंध हुए, कीकर से मन में छाए मकरंद हुए, भाषा के सब शब्द अदर को अदर की गलियों में फिसले जाकर कुंजी पट में बंद हुए, बातचीत की डोर उलझ कर टूट गई, एक भयावह मौन हर तरफ जारी है, रिश्ते नातों का निभना लाचारी है। बहुत मार्मिक भाव है, बहुत सच में कड़वी सच्चाइयों को बयान करती हुई रचनाएं, आपकी रचनाओं में आपका अनुभव बोलता है। अभी एक प्रकृति के ऊपर एक रचना है छोटी सी, कि मौसम की फगुनाहट बिखरी, मौसम की फगुनाहट बिखरी, कैटी ने छेड़ी सारंगी, घानी चूनर हुरी हवा में, मन पाखी बन बहके, मन पाखी बन बहके, झूम उठी पूरी फुलवारी करते अगवानी मधुकों की, झूम उठी पूरी फुलवारी करते अगवानी मधुकों की, अटकलियों ने लज्जा का घूंघट हौले हौले खोला। क्या बासंती साड़ी में लिपटी पूर्वा ने पायल खनकाई और मध्य स्वर में कचनारों से बेला घुसफुस बोला। तो झुरमुट में बोगन बलिया के खुल कर के निशिकंद जूं हंसी, सामोहित गतिमान समय की श्वास जन्म भर बहके, मन पाकी बन बहके, कि नन्हे अंकुर हरी ध्रुव के पलक मिचमिचा खूब जागे, नन्हे अंकुर हरी ध्रुव के पलक मिचमिचा जागे, और गौरैया ने पंख फड़फड़ा रहरक इन्हें दुलारा, और पुलकी ने आवाज लगाकर अपने पास बुलाया, लगा गूंजने दूर कहीं पर भोपा का एक तारा, जमुना की रेती में चमके फागुन की पूनम के तारे, और सन्नल की सुवास लहराई आज हवा में बहके, श्वास जन भर बहके, कि खलियानों में पके धान की स्वर्णिम झांझा झांझर खनके, खलिहानों में पके धान की स्वर्णिम झांझर खनके, और अभिलाषा के बादल उमड़े हुए व्योम पर छाए, और चौपालों पर थाप छे संग की सारंगी से मिलकर, उड़ी उमंगों की सरगम पर झूम झूम पटकाए बटियाए, कि जड़ी उमंगों की चूनर में रक्तिम आभा कुल मोहर की, और हाथ यौवन की लेकर है पलाशमन बहके, श्वास जन भर महके। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचनाएं आपकी, बहुत गहरे भाव लिए हुए। बस बस ऐसे ये चलता रहता है जी। और हम अधरों पर छंद गीत के गजलों के अशार लिए हैं, हम अधरों पर छंद गीत के गजलों के अशार लिए हैं, स्वर न तुम्हारा मिला इन्हें हम गाते भी तो कैसे गाते, स्वर न तुम्हारा मिला इन्हें हम गाते भी तो कैसे जाते, कि अक्षर की कलियां चुन चुन कर पिरो रखी शब्दों की माला, अक्षर की कलियां चुन चुन कर पिरो रखी शब्दों की माला, और भावों की कोमल अगराई से उनको सुरभित कर डाला, और बंद फूलों की मोहक छवियों वाली मलयज के टांके से पिघल रही पुरवाई की मस्ती को पाखुर पाखुर में ढाला, स्वर के बिना गीत हैं लेकिन बुझे हुए दीपक की बाती, स्वर के बिना गीत हैं लेकिन बुझे हुए दीपक की बाती, हम अपने आराधित का क्या पूजन क्या अर्चन कर पाते, हम अधरों पर छंद गीत के शब्दों के अशरार लिए हैं, स्वर्ण तुम्हारा मिला हमें इन्हें हम गाते भी तो कैसे गाते, कि नयन पालकी में आ बैठे चित्र एक जो बन दुल्हनिया, नयन पालकी में आ बैठे
चित्र एक जो बंद दुल्हनिया और मन के सिंधु तीर पर गूंजे जिसके पापों की पैजनिया और नव की मंदा किनियों में जो चमक रहे शत अरब सितारे लाला एक हों बधे ओढ़नी जिसकी बंद हीरे की कनिया यादों के अधियारे तहखाने की उतर सीढ़ियां देखा यादों के अधियारे तहखाने की उतर सीढ़ियां देखा कोई ऐसी किरण नहीं थी हम जिसको परिचित कह पाते हम अधरों पर छंद गीत के गजलों के अशार लिए हैं सोना तुम्हारा मिला इन्हें हम गाते भी तो कैसे गाते सांसों की शहनाई की सरगम में गूंजा नाम एक ही सांसों की शहनाई की सरगम में गूंजा नाम एक ही जीवन के हर पथ का भी गंतव्य रहा है नाम एक ही एक ध्येय है एक बिंदु है एक वही बन गया अस्मिता प्राण बांसुरी की अभिलाषित करता रहा अधर जो पर शाम ही जर्जर धूल धूसरित देवालय की एक खंडित प्रतिमा में जर्जर धूल धूसरित देवालय की एक खंडित प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित नहीं जानते उम्र बिताई अर्ध चाहते हम अधरों पर छंद गीत के गजलों के अशार लिए हैं अंतिम स्पर्श देखिए जी स्वागत सपनों की परिणति लहरों का जैसे हो तट से टकराना सपनों की परिणति लहरों का जैसे हो तट से टकराना और टूटे हुए तार पर सारंगी के एक कहानी गाना और काई जमे झील के जल में जो अपना प्रतिबिंब तलाशे ऐसे एक पागल मन को फिर जीवन का दर्शन समझाना धड़कन के ऋण का बोझा ढोटो कर थके शीतल कांधों में धड़कन के ऋण का बोझा ढोटो कर थके शीतल कांधों में क्षमता नहीं किसी अनुग्रह का अंश मात्र भी बोझ उठाते हम अधरों पर छंद गीत के अधरों के अशार लिए हैं पर न तुम्हारा मिला इन्हें हम गाते भी तो कैसे जाते बहुत सुंदर बहुत सुंदर गीत और देखिए यहाँ पर आप कमेंट्स में भी जो है ना आपकी रचनाओं पर विमर्श चल रहा है एक के बाद एक कमेंट प्रतिक्रिया आपकी रचनाओं पर आ रही है राशि कुमार कह रहे हैं बहुत उम्दा महोदर आपको नाना बनने की बधाई दे रहे हैं गुलशन कुमार आज के जमाने का कटु सत्य सर ने कुछ शब्दों में ही कह दिया और गुलशन कुमार आपको बधाई भी दे रहे हैं साथ में और अनामिका जी आपके ही गीत की पंक्तियों को दोहराते हुए लिख रहे हैं कि अब मैं गीत नहीं लिखता हूं बहुत सुंदर प्रस्तुति सादर आभार धन्यवाद तो अब हम अंतिम पलोश में आ रहे हैं जी तो मैं आज की शाम के लिए ये गीत सुना रहा हूं जी स्वागत आदरणीय विदित नहीं विदित नहीं लेखनी उंगलियों का कल साथ निभाए कितना विदित नहीं लेखनी उंगलियों का कल साथ निभाए कितना इसलिए मैं आज शाम का अंतिम गीत लिखे जाता हूँ इसलिए मैं आज शाम का अंतिम गीत सुना जाता हूँ चुपते हुए नौ के संग संग आज भावनाएं भी चुपी चुपते हुए दिनों के संग संग आज भावनाएं भी चुपनी ढलते हुए दिवस की हर एक रश्मि चिरागों जैसे बुझली लगी टिमटिमाने दीपक की लौ रह रह कर उठते गिरते और भाव की जो अंगड़ाई थी उठने से पहले रुकली पता नहीं कल नींद नैन के कितनी देर रहे आंगन में पता नहीं कल नींद नैन के कितनी देर रहे आंगन में इसीलिए बस एक स्वप्न आंखों में आज और बुने जाता हूँ इसीलिए मैं आज शाम का अंतिम गीत सुना जाता हूँ लगता नहीं नीर तक पहुँचे क्षमता शेष बची पांवों में लगता नहीं नीर तक पहुँचे क्षमता शेष नहीं पापों में और चौपालें सारी निर्जन हैं अब इन उजड़ चुके गांवों में टूटे हुए पंख की सीमा
मैं न सिमट पाती परवाजे, खुली हुई है परछाई नंगे करील की अब छाहों में। पता नहीं कल नीर पंत को दे पाते ये नहीं अथवा दे, पता नहीं कल नील पंथ को दे पाते नहीं अथवा दे, इसीलिए मैं आज राह का अंतिम नील चले जाता हूँ, इसीलिए मैं आज सांझ का अंतिम गीत सुना जाता हूँ। अंतिम है कि गीतों का ये सफर आज तक हुआ कहाँ निश्चित कल भी हो, गीतों का ये सफर आज तक हुआ कहाँ निश्चित कल भी हो, धुला हुआ है व्योम आज जो क्या संभव है ये कल भी हो, सुख के दर्पण में न दरारें पड़े कौन ये कह सकता है, सुख के दर्पण में न दरारें पड़े कौन ये कह सकता है, जितना है विस्तार हृदय का आज भला उतना कल भी हो, पता नहीं कल धूप गगन की चादर को कितना उजियारे, पता नहीं कल धूप गगन की चादर को कितना उजियारे, इसीलिए मैं आज चांद को करके दीप धरे जाता हूँ, इसीलिए मैं आज सांझ का अंतिम गीत सुना जाता हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति। चलते चलते अंत में चार लाइनें कहूँगा जी। अपने दोषों पर पछतावा जो मन ही मन कर लेता हो, अपनी समाधि को जो खुद ही अक्सर संवारता छंदों से, जिसके हर गूंगे उत्तर पर अक्सर सवाल हंस देते हैं, मैं बधा हुआ हूँ वह खुद ही इस गीतों के अनुबंधों से। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी और विनय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए बेहद एक से बढ़कर एक खूबसूरत रचनाओं की आपने प्रस्तुति दी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।